जय हिंद प्यारे बच्चों, नमस्कार। भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद। साथियों, जैसा कि आज 17 फरवरी और फर्स्ट सेकंड दोनों शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है और ये एकेडमी की बच्चियां हैं जो कि अपना एग्जाम देकर आई हुई हैं, आज हम आपसे इनका लाइव रिव्यू कराते हैं कि कैसा एग्जाम का लेवल रहा है, पैटर्न कैसा रहा है, जो अकेडमी में पढ़ाया गया है बच्चियां ये बताएंगी कितने क्वेश्चन कर आए हुए हैं। तो हम आज पूरा वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिएगा और इसमें हम लास्ट में आपको एक सेव स्कोर भी बताएंगे कि किसका कितना स्कोर बन रहा है, कि अपनी फिजिकल की तैयारी पर ध्यान दें क्योंकि फिजिकल के लिए भी आपको मात्र बहुत कम समय मिलेगा। और सबसे पहले आपके यम बता देना चाहेंगे साथियों, बहुत ही नॉर्मल पेपर पूछा गया है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत हाई लेवल का नहीं आ रहा है। कल 18 फरवरी जिन बच्चों का भी एग्जाम है, एक हौसले के साथ जाए, बुलंदी के साथ जाए आप लोग। चलो, क्या नाम है बेटा आपका? रितु शर्मा। जिला कौन सा बेटा? उन्नाव। उन्नाव कब एग्जाम था? आज था, सेकंड में। अच्छा, सेकंड शिफ्ट में। तो ये बता बेटा, कितने बजे एंट्री हुई थी आपकी? 1 बजे। 1 बजे अंदर लिया गया था जी सर। एंट्री समय क्या क्या डॉक्यूमेंट चेक किया गया था? वो आधार कार्ड, एडमिट कार्ड, फोटो, पेन। आधार कार्ड ओरिजिनल बेटा जी। और किसी प्रकार के कोई जो बच्चे वहाँ पे बाहर बाहर किए गए थे आपके सामने, कोई बच्चा वहाँ से बात किया गया जी? अच्छा, किस कारण बस किया गया था? वो आधार कार्ड की फोटो कॉपी लाया था इस वजह से। अच्छा, ओरिजिनल आधार कार्ड ले जाना है जी। तो 18 फरवरी बच्चे और एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपको डॉक्यूमेंट ओरिजिनल ले जाना है। अच्छा बेटा, फोटो किस लिए मांग रहे थे? वो देखने के लिए फोटो, क्योंकि मैच होती है कि नहीं एडमिट कार्ड में। तो बेटा, आपको वहाँ पर सीट ढूंढने में दिक्कत नहीं हो रही थी? नहीं, दिक्कत कोई नहीं हुई। हाँ, तो जैसे सीट पर आप जब बैठ गए, कितनी देर बाद आपको पेपर मिला था? वही, लगभग 1.5 घंटे बाद। अच्छा, तो सबसे पहले प्रक्रिया क्या हुई थी वहाँ पर? पेपर जब आपको मिला है तो उसके पहले आपने पेपर में क्या किया गया सबसे पहले? पहले ओमायर सीट मिली थी। हाँ हाँ, उसको मतलब अच्छे से हाँ, नाम वगैरह डालना पड़ा था, फिर उसके बाद ये पेपर मिला था। अच्छा, इसमें बेटा ओमायर सीट भरने में कोई दिक्कत नहीं हुई थी? नहीं, वहाँ पर टीचर्स वगैरह पूरा बताते रहे। अच्छा, तो पेपर कितने देर बाद आपको, मतलब पेपर आपका स्टार्ट हो गया था? पेपर मिलते हैं, पेपर मिलते ही वो वही लगभग 5 मिनट के बाद स्टार्ट हो गया। अच्छा अच्छा, तो बेटा आज आपने कितना क्वेश्चन पूरा किया हुआ है? मैंने 130 क्वेश्चन किए थे। 130 क्वेश्चन बेटा किए हुए। अच्छा, तो बेटा पहले सबसे बताना, जो पढ़ाया गया था वो अकेडमी के लेवल का था कि हाई लेवल का था? नहीं, अकेडमी के लेवल का था। अच्छा, जो पढ़ाया गया, मैम ने जो पढ़ाया उसी से पूछा गया? उसी से सब पूछा गया है। अच्छा, तो बेटा आपके पास पेपर है जी? पेपर निकालिए बेटा। तो आप देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छा लेवल का रहा है क्वेश्चन, कैमरा में थोड़ा पास आ जाना। आप देख रहे हैं ऋतु देवी, इनका सेकेंड शिफ्ट का है, उत्तर पुस्तक का कोड है और ये बहुत ही नॉर्मल सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप देख सकते हैं कि कितने सिंपल सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए हैं भारत रत्न का, संविधान से। और सामने आइए, और अगर आपको लाइव विश्वास ना हो रहा तो आप लाइव सेक्शन में चले जाइएगा। अभी ये 3 दिन 4 दिन की जो पिछली क्लासेस हैं आप लोग देख लीजिएगा, उसी में से ही ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, बाहर से कुछ भी नहीं पूछा गया है। हम बार बार कहते हैं एसएससी, जीडी और आर्मी और राज्य पुलिस बल वाले जो भी हुआ है, अकेडमी में आपको बिल्कुल निचोड़ पढ़ाया जाता है, आपको भारी भरकम कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता है। जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है सिर्फ वही पढ़ाया जाता है। और जिस जिसको विश्वास ना हो रहा तो आप लाइव सेक्शन में जाकर पिछली क्लास को आप लोग देख लीजिएगा, पिछली क्लास से कम 15 से 30 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। लेवल बहुत हाई नहीं रहा हुआ है, एग्जाम बहुत अच्छी तरह हो रहा है, किसी प्रकार का वहां पे दलाली या झांसी नहीं हो रहा है। अब हम आपको एक सेव स्कोर बताते चल रहे हैं, जो भी फिजिकल के लिए देखिएगा, सबसे पहले आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा और फिजिकल के लिए बहुत कम ही समय मिलेगा, चाहे वो लड़के हो चाहे लड़कियां, आप लोग ध्यान रखिएगा। ओबीसी कैटेगरी की लड़कियां जो भी हैं, अगर आपके 100 से अधिक क्वेश्चन सही हो रहे हैं, लगभग समझ लीजिए 105-110 के बीच में अगर आप सही हो, तो आप 100% फिजिकल के लिए बुलाए जाओगे। आप लोग ध्यान रखिएगा, अपनी फिजिकल की तैयारी पर ध्यान देना शुरू कर दीजिएगा। जो हमारी जनरल कैटेगरी की बहनें हैं उनके लिए भी 110 से 112 क्वेश्चन पर आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। और एसटी वाले जो हैं वो तो 100 पर तैयार रहिए, आप अगर 100 क्वेश्चन चाहिए तो आप बिल्कुल फिजिकल के लिए बुलाया जाओगे। तो आप क्योंकि भाई फिजिकल के बाद समझ लीजिए लगभग 4 से 5 नंबर की मेरिट और हाई फाई बढ़ेगी, तो फिजिकल के लिए समय नहीं दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट ये है आपके लिए, और बिल्कुल शेयर कर दे वीडियो को, पूरा एक्सपीरियंस पूरा अनुभव वाला वीडियो आपके साथ शेयर किया गया है। तो वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।